आर्थिक परिदृश्य का ये तीसरा वीडियो है, बाकी के दो वीडियो आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हो। पहला सवाल देखते हैं इस वीडियो का। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान व्यक्त किया है। देखिए, अगर संकुचन कहा जाए या जीडीपी कितने प्रतिशत तक रहेगी ये भी बात कहा जाए, तो दोनों एक ही बात है। तो फिक्की ने अपनी रिपोर्ट में जो है 4.5% तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया है। 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में नए आर्थिक गलियारे के तहत लगभग कितनी राशि की विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया और उसका शिलान्यास किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपये। अब यहाँ से सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ पर नए आर्थिक गलियारे परियोजना की नींव रखी गई, तो उसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। भारत से जूट और उससे बने उत्पादों का वर्ष 2019-20 में रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, या निर्यात कितना हुआ है, यानी कि भारत में जो जूट है और उससे बनने वाले जो बाई प्रोडक्ट हैं उसका निर्यात कितना हुआ है। तो ये निर्यात हुआ है 2757.9 करोड़ रुपये का, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल अमाउंट है। और इससे जुड़ा हुआ एक और जो है कंटेंट महत्वपूर्ण है, वो ये है कि 2019-20 में 988,996 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ, जो कि पिछले वर्ष जो है 964,046 मीट्रिक टन था। अब यहाँ पर देखिए निर्यात जो है वो 99% निर्यात तूतीकोरिन चेन्नई और कोच्चि के बंदरगाहों से होता है, यानी कि हमारे यहाँ जो दक्षिण भारत के जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों से निर्यात जो है विदेशों को निर्यात किया जाता है। और नेक्स्ट है कि 13 जुलाई 2020 को गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत कितनी राशि का निवेश करने की घोषणा की है। तो ये राशि है 75,000 करोड़ रुपये, जो अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत भारत में निवेश की जाएगी। और इस निवेश के क्रम में भारत के 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन 4 प्रमुख क्षेत्रों में नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, छोटे कारोबारियों को डिजिटल परिवर्तन हेतु सशक्त बनाना, स्वास्थ्य शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है। यानी कि कृत्रिम मेधा का मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है उसका प्रयोग इन क्षेत्रों में किया जाएगा। एक बात यहाँ पर और की गई है कि दरअसल सुरेंद्र पिचाई ने प्रसार भारती के साथ में जो है एक समझौता और किया है। इसके तहत क्या है कि CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो देश में अध्यापक हैं करीब करीब 10 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भी जिम्मेदारी इन्होंने लिया है। और अगला सवाल है कि जापानी फर्म सुजुकी हरियाणा के झज्जर में किस कंपनी के परिसर में एक संयंत्र स्थापना करेगी, तो इसका उत्तर होगा रिलायंस की अनुसंगी कंपनी जिसका नाम है मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड। ये जो है हरियाणा के झज्जर में एक संयंत्र स्थापित करेगी और किसके द्वारा होगा, तो ये जापानी फर्म है, जापानी कंपनी है जिसका नाम है सुजुकी, तो सुजुकी से सभी लोग परिचित होंगे, हालांकि उसका नाम है टी सुजुकी, ठीक है। और उसके बाद में एक कंपनी है जिसने प्रतिस्पर्धा आयोग के मुताबिक जो है एक कंपनी में अधिग्रहण कर रखा है, उसकी शेयर खरीद रखे हैं, तो हमको उसको नहीं जानना है, हमको बस इतना जानना है कि ये कंपनी क्या है और कहाँ की है, किस देश की है। तो कुबोटा कंपनी का नाम है जो कि जापान से संबंध रखती है, यानी कि एक जापानी कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुबोटा व्यापक कृषि यंत्र उत्पाद निर्माता है, जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, तो इस प्रकार के जितने भी एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका निर्माण करती है कुबोटा कंपनी। और अगली न्यूज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को लेकर के है, जिसमें है कि जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, देखिए इस प्रकार के विकल्प में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि सही नहीं है पूछा जा रहा है या सही है पूछा जा रहा है। पहला है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इस स्टार्टअप नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा क्या कहना है कि राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश को देश के शीर्ष 2 राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है, तो इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए बहुत माइन्यूट जो है जो चेंजेस
कमीशन अपने पेपर में करता है, जिसको लेकर के विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट्स होता है, वो जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन को गलत कर देता है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। अगला है कि इस नीति के तहत भारत में सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। देखिए ये स्टेटमेंट सही है और ये अलग भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत भारत के सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये पूछा जा सकता है, इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। अगला है कि यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष के लिए लागू होगी, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि 5 वर्ष के लिए लागू होगी, तो यानी कि इसका विकल्प जो है वो बी विकल्प गलत है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचलन में है। उसके बाद में एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इससे जो है रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। नीति के तहत माना जा रहा है कि 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 1,00,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। और अगली न्यूज़ जर्मनी से जुड़ी हुई है, जो कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सवाल ये बेहद ज़रूरी है, हो सकता हो पूछा जाए। पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, पहले डायरेक्ट सवाल नहीं देखेंगे, है कि 3 जुलाई 2020 को जर्मनी की संसद ने, दोनों सदनों ने देश में ताप विद्युत के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के विधेयक को अनुमोदित कर दिया है। इस प्रकार देश के आखिरी बचे ताप विद्युत केंद्र को 2038 तक बंद कर दिया जाएगा। जर्मनी ने न्यूक्लियर पावर उत्पादन को पहले ही 2022 के अंत तक बंद करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, यानी कि ताप विद्युत उत्पादन जो उसके संयंत्र है उसको 2038 तक बंद करेगा, और वहीं पर न्यूक्लियर पावर से जो भी उत्पादित होने वाली जो उसके टेम्परेचर हैं या रिसोर्सेज हैं, यूँ कहे उसके जो उसकी एनर्जी जो न्यूक्लियर पावर जो है पैदा करता है, वो जो है 2022 तक उसको बंद करेगा। इस प्रकार जर्मनी चरणबद्ध तरीके से उपरोक्त ऊर्जा संसाधनों को हटाने वाली विश्व की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। देश में इन ऊर्जा संसाधनों के विकल्प के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को ही अपनाया जाएगा, यानी कि जो ताप विद्युत उत्पादन है और न्यूक्लियर पावर उत्पादन है, इन दोनों के विकल्प के तौर पर रेन्यूएबल एनर्जी को प्रयोग में लाया जाएगा, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब आइए इससे जुड़ा हुआ हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने देश की ऊर्जा ज़रूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ही पूरा करने के लिए पहल कर दी है, जिसके अनुसार न्यूक्लियर पावर व ताप विद्युत पर निर्भरता क्रमशः निम्न वर्षों तक पूर्ण रूपेण खत्म कर दी जाएगी। तो न्यूक्लियर पावर का कितना है, 2038 है, और वहीं पर ताप विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कितना है, न्यूक्लियर पावर का माफ करिएगा 2038 नहीं है, न्यूक्लियर पावर का 2022 है और ताप विद्युत उत्पादन का 2038 है। और यहाँ से एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि रेन्यूएबल एनर्जी की पहल को शुरू करने वाली अर्थव्यवस्था विश्व में पहली बार कौन बनी है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा जर्मनी। मतलब कई तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। और अगला देखते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष बाजार उधारकर्ता के रूप में उभरा है, तो भारत में शीर्ष बाजार उधारकर्ता के रूप में तमिलनाडु का स्थान है, तमिलनाडु पहले स्थान पर है। और आपको बता दें कि यह जो है आंकड़ा रिपोर्ट, या यूँ कहें कि यह रिपोर्ट किसके माध्यम से सामने आई है, तो ये RBI ने आंकड़ा जारी किया है। आप देख सकते हैं कि RBI द्वारा हाल ही में जारी जुलाई 2020 के आंकड़ों के अनुसार, हाल ही का मतलब है कि जुलाई 2020 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, तमिलनाडु भारत के राज्यों में शीर्ष बाजार उधारकर्ता राज्य है, जिसने 30,500 करोड़ रुपये बाजार से उठाए हैं, यानी कि बाजार से जो है बाजारगत लोन तमिलनाडु के द्वारा प्राप्त किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार रहा, तो अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय जो व्यापार रहा वो रहा है 88.75 अरब डॉलर का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरे वर्ष यानी कि 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। 19-20 में दोनों पक्षों के बीच में 88.75 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो कि 18 की तुलना में 0.89 अरब डॉलर अधिक है। अमेरिका उन विशिष्ट देशों में शामिल है जिनके साथ में भारत का व्यापार अधिशेष है, यानी कि भारत का व्यापार अमेरिका के साथ में हमेशा सरप्लस रहता है, अधिशेष रहता है। जुलाई 2020 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार वर्तमान में ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन है, तो आपको जानकर के खुशी होगी कि इसका उत्तर भारत होगा, यानी कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है। इसके तहत निवेश के माध्यम में होता क्या है, दरअसल वहाँ पर संबंधित जो भी परियोजनाएँ होती हैं
जो भी जो है और सारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जरिए भारत उन क्षेत्रों में अपना पैसा लगाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्ष 2019 में भारत ने ब्रिटेन की 120 परियोजनाएं ऐसी थी जिसमें भारत ने निवेश कर रखा था, और तब भारत का स्थान कुछ और था। एट प्रेजेंट भारत का स्थान तीसरा है, पहले स्थान पर जो है वो आपका USA है यानी कि अमेरिका है, दूसरे स्थान पर इंडिया है, और तीसरे स्थान पर नाम आता है जर्मनी का। तो ये ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रिटेन में सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरे हैं। ई दृष्टि के और वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें एग्जाम स्टडी एक्सी, वहाँ पर जो है चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपकी परीक्षा के लिहाज से ढेर सारी वीडियोज डले हुए हैं। और उसके साथ ही में जो है और सारे वीडियोज अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपकी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे जैसे कि चर्चित अनुच्छेद जो हर प्रकार की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है अनुच्छेद में जो है कौन सा भाग किस अनुच्छेद से है या किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, प्लस जो है ई दृष्टि के मंथली जो है वीडियोज यहाँ पर करंट अफेयर्स मैगजीन की आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में जो ई दृष्टि का रिमाइंडर वार्षिकांक आता है वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, प्लस जो है ई दृष्टि का जो रिमाइंडर का जो प्रैक्टिस सेट है जहाँ की बहुत सारे सवाल जो है BU के एग्जाम में देखने को मिले वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा सहायक अध्यापक परीक्षा से जुड़े आपको जो है सोशल के बहुत सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, और इस प्रकार से बहुत सारे आपकी वीडियो हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है वो आप चैनल